यूपी में बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन पर विपक्ष ने सवाल उठा दिया। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर कोरोना संक्रमण फैलाने का आरोप लगाया है। ये इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए। कल यूपी चुनाव समिति की बैठक में आपको बता दें वो मौजूद थे। वो खुद तो क्वारंटीन हो गए लेकिन बैठक में शामिल दूसरे नेता आज घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी के इस कैंपेन पर सवाल उठाए हैं। तो कुल मिलाकर डोर टू डोर कैंपेन जो आज से बीजेपी का शुरू हुआ है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि राधा मोहन सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वो जब प्रचार कर रहे थे उनके साथ कुछ लोग मौजूद थे, वो अब भी प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए। तो बीजेपी के घर घर प्रचार अब भी जारी है और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सवाल उठा रही। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन ने बीजेपी पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाया। बीजेपी के नेता राधा मोहन सिंह जी कोविड पॉजिटिव निकले। कल ही वो अपने कार्यालय पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष, बाकी नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। जिन नेताओं को 3 दिन आइसोलेशन में रहना चाहिए वो घर घर जाकर के कोरोना फैला रहे हैं। अब इनके खिलाफ कौन FIR करेगा, कौन मुकदमा दर्ज करेगा? कम से कम नहीं अपनी जान की चिंता है तो आम आदमी की तो चिंता करिए। तो आपने देखा किस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से ये घेराबंदी की जा रही है बीजेपी की। दरअसल राधा मोहन सिंह कोरोना पॉजिटिव हैं और राधा मोहन सिंह कल जिस बैठक में मौजूद थे उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह, और स्वतंत्र देव सिंह जो है वो आज घर घर जाकर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी बीजेपी की घेराबंदी कर रही है। ABP News, आपको रखे आगे।